आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ देखो इस क्वेश्चन में मुझे क्या गिवन है दैट 500 ग्राम ऑफ आइस एट माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस इज मिक्स विद 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस व्हेन इक्विलिब्रियम इज रीच्ड अमाउंट ऑफ आइस इन द मिक्सचर इज क्वेश्चन मुझे क्या बोल रहा है कि मेरे पास 500 ग्राम आइस थी ठीक है फाइव हंड्रेड ग्राम मेरे पास आइस थी और कितने टेम्परेचर पे माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस पे उसको मैंने मिक्स कर दिया वाटर से ठीक है हंड्रेड ग्राम वाटर था मेरे पास और टेम्परेचर कितना था ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस तो इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया तो मुझे बताना है कि जब इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हो जाएगा तो उस टाइम पे आइस का अमाउंट कितना बचेगा ये मुझे बताना है ठीक है तो देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को आइस मेरे पास आधा किलो है माइनस फाइव डिग्री पे और वाटर जो है फाइव हंड्रेड ग्राम है ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे तो पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि अगर ये आइस जो है ज़ीरो डिग्री तक पहुँचे तो इसको कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है ठीक है अगर ये आइस जो है फाइव हंड्रेड ग्राम माइनस फाइव डिग्री सेल्सियस पे इसको अगर मैं जीरो डिग्री के आइस पे लेके जाऊँ तो कितनी एनर्जी इसको चाहिए एक बार इसका हम कैलकुलेशन लगा लेते हैं ठीक है तो ये कितना हो जाएगा हीट चाहिए मान लो इसको क्यू तो हो जाएगा एम एस डेल्टा टी एम कितना है 500 ग्राम ठीक है स्पेसिफिक हीट आइस की वन बाई टू कैलरीज पर ग्राम डेल्टा टी कितना है अभी माइनस फाइव है जाना जीरो पे यानी कि फाइव डेल्टा टी कितना है चेंजिंग टेम्परेचर फाइव तो यहाँ से कितना आया मेरे पास ये हो गया टू फिफ्टी ठीक है टू फिफ्टी इन फाइव यानी कि ये हो गया ट्वेल्व हंड्रेड फिफ्टी कैलरीज इतनी हीट चाहिए अगर इस फाइव हंड्रेड ग्राम आइस को जो कि माइनस फाइव डिग्री पे है इसको अगर जीरो डिग्री के आइस पे जाना है तो ठीक है अब हम ये देख लेते हैं कि अगर ये वाटर जो है हंड्रेड ग्राम ट्वेंटी डिग्री सेल्सियस पे इसको अगर जीरो डिग्री के वाटर में लाएं ठीक है तो ये कितनी हीट रिलीज करेगा ये देख लेते हैं इसको बोल दिया Q1 इसको बोल देते हैं Q2 टू कि यह कितनी रिलीज़ करेगा अगर ये जीरो डिग्री का वाटर बन जाए तो तो ये भी वही हो जाएगा M यानी कि 100 ग्राम एस ऑफ वाटर होता है वन ठीक है इन टू डेल्टा टी डेल्टा टी, टी कितना हो जाएगा 20 डिग्री से जीरो डिग्री ये हो जाएगा 20 ठीक है तो यहाँ से Q2 की वैल्यू कितनी आ गई टू कैलरीज यानी कि अगर ये वाटर जीरो डिग्री के पानी पे बना ज़ीरो डिग्री के इसका टेम्परेचर अगर जीरो डिग्री पे आया ये तो टू थाउजेंड कैलरीज की यह एनर्जी रिलीज़ करेगा ठीक है यानी कि इसको चाहिए थी बारह सौ पचास ये रिलीज कर रहा है दो हज़ार यानी कि बारह सौ पचास तो इसको आसानी से मिल जाएगी ठीक है यानी कि ये जो फाइव हंड्रेड ग्राम था आइस था माइनस फाइव डिग्री पे ये जीरो डिग्री का आइस तो आराम से बन जाएगा बारह सौ पचास कैलरीज इससे ले लेगा ठीक है तो बचे ये कितनी मेरे पास कैलरीज ये हो जाएगा रिमेनिंग कितना रहेगा मेरे पास दो हज़ार दे सकता है वो आइस ने ले लिया बारह सौ पचास कितना बचा ये सात सौ पचास कैलरीज ठीक है यानी कि अब मेरे पास क्या सिचुएशन हो गई है कि फाइव हंड्रेड ग्राम आइस है मेरे पास जीरो डिग्री सेल्सियस पे और हंड्रेड ग्राम वाटर है जीरो डिग्री सेल्सियस पे ठीक है और ये अभी सेवन फिफ्टी कैलरीज और दे सकता है इसको और सेवन फिफ्टी कैलरीज इसको दे सकता है तो ये सेवन फिफ्टी कैलरीज ले लेगा ठीक है और कुछ मास इसका जो है जीरो डिग्री के वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मान लेता हूँ कि लेट से एम मास जो है वाटर में कन्वर्ट हो रहा है ठीक है तो एम इसका वाटर में कन्वर्ट कर रहा है तो कितनी एनर्जी लेगा एम इन टू लेटेंट हीट जो कि होती है एटी ठीक है सेवन फिफ्टी मिल सकता है इसको तो एम इसका जो है सेवन फिफ्टी कैलरीज ले लेगा ले और कन्वर्ट हो जाएगा वाटर में तो इस एम की वैल्यू निकाल लेते हैं ये एम कितना है सेवन फिफ्टी बाय एटी ठीक है और सेवन फिफ्टी बाई एटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा और सेवनटी फाइव 8, एट तो 75 बाय एट की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास नाइन पॉइंट थ्री सेवन ठीक है तो एम की वैल्यू आई है नाइन पॉइंट थ्री सेवन ग्राम यानी कि ये जो बची हुई सेवन फिफ्टी कैलोरीज थी इसने ये जो पाँच सौ ग्राम आइस था इसमें से नाइन पॉइंट थ्री सेवन ग्राम को वाटर में कन्वर्ट कर दिया ठीक है यानी इक्विलिब्रियम पे क्या बचा मेरे पास 500 ग्राम आइस था उसमें से 9.37 चला गया ठीक है तो 500 में से 9.37 गया तो ये कितना बच गया 490.63 यानी इक्विलिब्रियम की अगर बात करूं तो मेरे पास 490.63 नाइन्टी ग्राम्स आइस है जीरो डिग्री सेल्सियस पे और वाटर कितना है वाटर है मेरे पास हंड्रेड ग्राम ऑलरेडी था और नाइन और चला गया तो हंड्रेड